दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस फॉर यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने काफ़ी यूजफुल टिप्स लेकर आया हूँ, वो भी अबाउट व्हाट्सएप। काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं बट उसको उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में नहीं पता है, उसके फीचर्स के बारे में नहीं पता है। तो दोस्तों, आज मैं उस फीचर्स के बारे में बताने आया हूँ और इसमें काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मुझे ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स के बारे में तो पता है, तो मैं ये क्यों शेयर करूँ, मैं क्यों देखूँ। तो दोस्तों, वो एक भलाई का काम कर सकते हैं, नीचे शेयर बटन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, वहाँ पे शेयर करके अब जरूरतमंद लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुँचा सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आ जाते हैं मेरी पहले टिप्स एंड ट्रिक्स पे। हाय दोस्तों, चलो पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि कहीं बार ऐसा होता है कि आप घर पे हो, कहीं फैमिली फंक्शंस पे गए हो, कहीं बाहर गए हो और सडनली कोई आपसे फ़ोन मांग ले और उसको व्हाट्सएप का ही काम हो आपके फ़ोन में, और आपका मान लीजिए कोई पर्सनल चैट्स पड़ा हुआ है, लाइक गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का या समवन स्पेशल का, किसी का आपके पास चैट ऑलरेडी व्हाट्सएप में है। अभी इंस्टेंट कैसे डिलीट करो, क्या करोगे, इंपॉर्टेंट भी है चैट भी, तो डिलीट भी नहीं करना है। तो उनके लिए मैं बैठा हूँ, उनके लिए मैं एक मस्त सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि आप टेम्पररी उसको कैसे हिडन कर सकते हो। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद आपका मान लीजिए कि मेरा ये कोई भी एक, चलो मान लीजिए कि मेरे को ये हाइड करना है, तो इनके में क्लिक करके यहाँ पे जो ये ए बटन है ना, एच यू वाला, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। बूम गाइस, चला गया। अभी ये टेम्पररी कहीं नहीं दिखा, जब तक अगर उनका मैसेज नहीं आता या आप उसे मैसेज नहीं कर दो तब तक वो अभी शो नहीं करेगा। और वो अगर आपको रीड भी करना है, आपको देखना है, तो आप यहाँ पे लास्ट क्रॉल डाउन करके एकदम लास्ट में आओगे ना, तो आपको वो मिल जाएगा ऑन एच यू में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था ट्रिक्स, से वो काफी खतरनाक और काफी बेहतरीन है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ओपन किए बिना या व्हाट्सएप को टच किए बिना ही किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो। हाँ, ऐसा होगा कि आपको किसी को ऑनलाइन आए पता भी नहीं चले और आपने किसी को मैसेज भी कर दिया, जी हाँ, आप कर सकते हो। इसमें गूगल असिस्टेंट का सहारा लेना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना है। होम बटन जो आपका है ना, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड देन आप आगे का देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। प्लीज सेंड टेक्स्ट टू पापा ऑन व्हाट्सएप। Alright, what's the message? Hello, Papa. Sending your message to Papa saying hello, Papa. तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा फ्यूचर्स? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया क्या? लाइक नहीं किया क्या? अरे करो दोस्तों, आप लोगों के लिए ही तो मैं वीडियो बनाता हूँ, जल्दी से फटाक से सब्सक्राइब एंड लाइक बटन पे क्लिक कर दो दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक है अपनी सिक्योर योर व्हाट्सएप, कि अभी आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर भी कर सकते हो। लाइक आप काफ़ी सारे यूजर्स ऐसे होंगे जो व्हाट्सएप को थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थ्रू लॉक रख रहे होंगे, तो उसमें आपको डिसएडवांटेज क्या है कि लाइक उसमें ना काफ़ी सारे बग्स वगैरह आते हैं, आपके फ़ोन में एडवर्टाइज वगैरह आती है, फ़ोन को स्लो कर देता है और डेटा हैकिंग का भी इशू रहता है, और वो आपके फ़ोन के लिए बहुत हार्मफुल है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी आप लोग कर यूज़ कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप में ही दिया हुआ है, आप आपका फिंगरप्रिंट रजिस्टर्स कर सकते हो वहाँ पे, कि फिंगरप्रिंट कैसे रजिस्टर करना है, फिंगर से आप अनलॉक कर सकते हो व्हाट्सएप को, तो वो एक सेफ एंड सिक्योर हो गया। बायोमेट्रिक काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। लाइक दोस्तों, व्हाट्सएप पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैं आपको स्टेप वापस दिखा दूंगा। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऊपर जो ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स बटन पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में जाके पहला ही ऑप्शन रहेगा प्राइवेसी का, वहाँ पे प्राइवेसी में जाके आपको लास्ट में मिलेगा फिंगरप्रिंट लॉक का। मैंने यहाँ पे इमीडिएटली रखा है, अब आप चाहो तो उसको ऑफ कर दो, मुझे ऑन करना है। मेरे को ऑन करके यहाँ पे कन्फर्म मेरा फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड वापस करवाना है। कन्फर्मेशन मैंने दे दिया, यहाँ से हो गया मेरा यहाँ से रजिस्टर। अभी जैसे मैंने यहाँ से रिसेंट से सब क्लोज कर दिया, व्हाट्सएप को ओपन करना है, यहाँ पे फिंगर मांगेगा दोस्तों। तो ये कैसा लगा आपको, ये कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और आपके लिए कितना यूज़फुल था वो तो बिल्कुल बताना मत भूलना दोस्तों। फीचर्स है वो है स्टोरेज यूजेस का, कि आपका व्हाट्सएप में किसने कितना MB यूज़ किया है, कितना KB यूज़ किया है, कितना GB यूज़ किया है, या दोस्तों आपने अपने फैमिली ग्रुप्स में कितना टाइम स्पेंड किया है, कि वहाँ पे कितनी आपकी चैट हिस्ट्रीज है, लाइक ऑल ओवर आपका चैट टेक्स्ट आ गए, आपके इमेजेस, वीडियोस, एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओवर टाइप का कंटेंट मिला के कितने MB, कितने GB का, कितने KB का फाइल आपने वहाँ पे रोक के रखा है, वो आप अभी व्हाट्सएप पे एनालिस कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद ऊपर अगेन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड डेटा यूजेस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है वो है मैनेज स्टोरेज।
मैनेज स्टोरेज में जाओगे तो आप जैसे मेरा देख रहे हो कि मेरा 5.5 GB यूज्ड है व्हाट्सअप मीडिया, और एप्स एंड अदर आइटम्स में भी मेरा येलो कलर का है, और टोटल 57 GB फ्री है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिव्यू एंड डिलीट्स आइटम के बारे में कि फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स हमारे पास काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो 297.5 MB के लोग रखे हैं, लार्जर देन 5 MB, 5 MB से ज़्यादा वीडियो मेरे पास 1112 के ऊपर है, और मेरी चैट्स लाइक मेरी सबसे ज़्यादा बातें और चैटिंग हिस्ट्री वगैरह मेरी फैमिली ग्रुप में है, मेरे सर से, मेरे दोस्तों से, मेरी सिस्टर्स वगैरह से है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से पूरा एनालिसिस कर सकते हो। तो अपनी टिप्स है कि लाइक आप अपना ओल्ड चैट वगैरह, या तो मतलब काफ़ी ओल्ड मेमोरीज है, काफ़ी कोई आपका स्पेशल समोन है या किसी को लिए प्रूफ के लिए है, या मतलब आपका चैट हिस्ट्री है, या तो आपको वो देखना है कि आपने पर्टिकुलर कोई आपका बंदा है या आप किसी से बात करो उसको फर्स्ट मैसेज आपने क्या किया था वो चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए आप क्या, अभी आपका समझ लीजिए कि आप मतलब 4 साल से व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो, तो लाइक आप कैसे ढूंढोगे कि पहला मैसेज आपने क्या किया था, उन्होंने किया था कि मैंने किया। तो वो देखने के लिए दोस्तों आप अपना एक बेस्ट फ्यूचर्स है व्हाट्सएप का, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। जैसे आपको व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप में जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक नहीं करना है, हर बार वहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। आपको नॉर्मली जो भी चैट का हिस्ट्री चाहिए वहाँ पे जाना है, जैसे मेरे पापा का मुझे चैट हिस्ट्री चाहिए, वहाँ पे 3 डॉट्स है, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे जाके मोर में जाके यहाँ पे आपको सिंपली करना है एक्सपोर्ट चेक। जैसे ही आप एक्सपोर्ट चेक करोगे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, इंक्लूडिंग विथ मीडिया एंड इंक्लूडिंग विदाउट मीडिया। मैं विदाउट मीडिया यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वेयर टू मूव इट का एक मैसेज आ जाएगा, और यहाँ से आप अपना मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ मेरे ही अपने एक एयरटेल वाले नंबर पे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये मतलब काम आता है। देख लीजिए ये मेरा पूरा चैट हिस्ट्री यहाँ पे चला गया, और मेरा ये चैट आ गया यहाँ पे, ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये होता है, काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पे मेरे को सिंपली खाली क्लिक करना है, यहाँ पे मेरे को कोई भी एक JPG में कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा डे टू डे इंक्रिप्ट पूरा मेरा चैट हिस्ट्री आ जाएगा। माफ़ करना दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ ये देख लीजिए आप, ये मेरा पूरा चैट यहाँ पे आ गया, मुझे एडिट नहीं करना है, ये मेरे पूरे पेजेस की चैट हिस्ट्री आ गई कि मेरे पापा के साथ मेरा कितना कितना चैट हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों 29 पेजेस का चैट, देखो कोई बाप बेटा इतनी बातें करता है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। अगर अपना टिप है लाइक डेटा इश्यू के रिगार्डिंग कि आप वीडियो कॉलिंग फ़ोन पे काफ़ी सारा करते हैं अभी व्हाट्सएप, अभी जैसे कोरोना का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हम सब ऑलमोस्ट घर पे बैठ के फ्रेंड्स सर्कल को फैमिली के साथ वीडियो कॉलिंग्स करते हैं, मल्टीपल वीडियो कॉलिंग्स कर रहे हैं, ग्रुप चैट कर रहे हैं ऑन लाइक VC टाइप। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि लाइक डेटा इश्यू का रहता है कि डेटा आपका काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ हो जाता है वीडियो कॉलिंग में, तो उसको आप अभी रिड्यूस कर सकते हो। सिंपली आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप के जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग में जाना है, वहाँ पे डेटा स्टोरेज एंड डेटा पे जाके आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है यूज़ लेस डेटा फॉर कॉल्स। जैसे इनको ऑन कर दो कि आपका यहाँ पे काफ़ी लिटिल बिट टाइप का एक वो चला जाएगा, MBs यूज़ होंगी। और दूसरा उसके नीचे देखो मीडिया ऑटो डाउनलोडर है कि आप परेशान हो कि कभी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। लाइक मैंने मोबाइल डेटा ऑन वाईफाई कनेक्ट और वैन रोमिंग हर एक में नो मीडिया रखा हुआ है ताकि अगर मैं चाहूँ तो ही मैं उसको डाउनलोड कर पाऊँ। इससे आप अपना स्टोरेज और आपका GB कम यूज़ होने से बचा सकते। तो दोस्तों व्हाट्सअप मतलब आज लोग हर कोई लोगों की नीड हो गई है, मॉर्निंग से लेके रात तक, रात से लेके अगेन सुबह तक लोग व्हाट्सअप पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ऑलमोस्ट बिजनेस का काम अभी कर रहे हैं। तो उसी दौरान समझ लीजिए कि आपका मतलब आप ड्यूटी पे हो, आप जॉब पे हो, और किसी फ्रेंड का या किसी ऐसे पर्सन का आपको मैसेज आता है जो आपको रीड करना है, आपको समझना है, उसे आंसर भी देना है, बट आपके पास टाइम नहीं है और गलती से आपने उसको रीड कर लिया, अभी आप क्या करोगे, आप तो भूल जाओगे काम में, फिर रात को याद नहीं आएगा। तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आपको सिंपली व्हाट्सएप पे जाना है। जैसे मान लीजिए मेरे पापा का या मुझे यहाँ पर पापा का मैंने ये मैसेज, कोई भी एक मैसेज मुझे आया था पापा का जो मैंने रीड कर लिया, बट मुझे रात को वापस रिमाइंड लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पापा के ऊपर नेम है उनके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं 3 डॉट्स पर जाके यहाँ पर मैं कर दूँगा मार्क एज अनरीड। यहाँ पे लाइक जैसे नंबर्स नहीं लिखे होंगे बट ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा जैसे मैंने रीड नहीं किया है, तो जब मैं रात को यहाँ पे सर्फिंग करूँगा तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम था जो दूसरे का मुझे मैसेज आया था फ्रेंड या फैमिली का,
तो ये कुछ काम का होगा, तो मैं वहाँ पे क्लिक करके मेरा पूरा कंटेंट रीड कर सकता हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं कि WhatsApp में अभी आप है ना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जी हाँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप पूरा WhatsApp गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू में भी आप रीड कर सकते हो। जी हाँ, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। WhatsApp पे जाना है, उसके ऊपर आपको राइट साइड टॉप पे जो थ्री डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे चैट के ऑप्शन में। चैट के ऑप्शन में जैसे आप जाओगे यहाँ पे आएगा ऐप लैंग्वेजेस, फोन्स लैंग्वेज जैसी है वो मैच कर लेगा। बाकी आपको हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, उर्दू, गुजराती एक्स्ट्रा आपको लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे मिल रही है, ताकि आप अपनी लोकल लैंग्वेज से, अपने नेटिव लैंग्वेज से आप अभी WhatsApp को चला सकते हो। दोस्तों ये जो ट्रिक है वो काफ़ी बेहतरीन है। कई बार क्या होता है कि हमें मतलब टेम्पररी किसी को कुछ सेंड करना होता है WhatsApp पे, हालांकि वो हमें कुछ आगे जाके काम नहीं आने वाले, टेम्पररी कहीं पे गए, उसको बोला भाई WhatsApp कर दे, मैं प्रिंट आउट निकाल दूंगा, तो उस टाइम के आपको नंबर भी सेव नहीं करना, तो आप कैसे सेंड करोगे उसको मैसेज। तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट टाइप करना है HTTP वाला। HTTP आप जैसे ही टाइप करोगे HTTP, उसके बाद जेम स्लैश और डबल स्लैश करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है WA.ME और आपको यहाँ पे देखो जैसे ME अगेन स्लैश करने के बाद आपका कंट्री कोड यहाँ पे ऐड करना है। कंट्री कोड ऐड करने के बाद आपको अपना पूरा मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद जैसे वहाँ पे गाइस आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका चैट ऑन व्हाट्सएप विथ +91 इंडियन कोड है अपना और मेरा ये मोबाइल नंबर है। कंटिन्यू टू चैट पे जैसे ही आप जाओगे मेरे को व्हाट्सएप सिलेक्ट करने को बोलेंगे, जैसे ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे हो जाएगा मेरा व्हाट्सएप स्टार्ट। तो दोस्तों कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताना ये भी।